अगर आप सूजी का ऐसा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा। समोसे कचौड़ी भी इस नाश्ते के आगे फेल है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और इस नाश्ते को मैं बनाने वाली हूँ सूजी से। चलिए देखते हैं रेसिपी मैंने किस तरीके से बनाया है। सूजी का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने रखी है कढ़ाई और इसमें मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब नमक। नमक के साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, साथ में थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं मंगरेल। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच ये चिली फ्लेक्स। इसके बाद यहाँ पर जो पानी है वो अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 1 कप के करीब सूजी। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप के करीब सूजी डाल देती हूँ और मिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि सूजी तुरंत ही गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरी सूजी डाल दी है और इसे बस हमें अच्छे से मिलाना है और थोड़ा सा और इसे गाढ़ा कर लेंगे जब तक कि खट्टा होना स्टार्ट नहीं होता तब तक। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का। तो यहाँ पर सूजी को मैं कढ़ाई में से निकाल लेती हूँ। सूजी को निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में और सूजी को यहाँ पर मैंने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। इसके बाद इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे इतना कि इसे हम छू पाएँ। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर मैंने एक दोबारा से एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें डाल लेते हैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे जीरा, तो 1/2 चम्मच ये जीरा डाल दिया मैंने। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है तो ये इसमें डाल देते हैं। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर ये लाल मिर्च का पाउडर, इसके साथ डालेंगे हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, साथ में काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे 1/4 चम्मच। इसके साथ इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ में ऐड कर देंगे नमक। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। सभी मसालों को मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल आलू। तो मैंने यहाँ पर मैं ग्रेट करके बॉयल आलू लिए हैं 2 बड़े, आप मैश करके भी ले सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। इसके साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से मटर। 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे पूरे मसाले को भून लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया, मिला देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो तैयार हो गई है, तो इसे निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है, साथ में जो हमने सूजी का मिक्सचर रखा था वो भी इतना ठंडा हो गया कि मैं इसे छू सकती हूँ। पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ लेकिन ठंडा हो गया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच मैदा। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ मैं और अब पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। मैदा डालने से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी, साथ में थोड़ा सा तेल भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के करीब तेल भी डाल रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने तेल भी डाल दिया और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह इसे तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल आटे की तरह से गूंद लिया है। इसके बाद हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के एक बार इसे फिर से चिकना कर लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और बिल्कुल आटे जैसा तैयार हो गया हमारा ये मिक्सचर, ये देखिए। और इसके बाद इसमें से निकाल लेंगे लोइयाँ। तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ निकालनी हैं। यहाँ पर ये मैंने 4 बड़ी बड़ी लोइयाँ निकाल ली हैं और 1 बड़ी सी लोई यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चकला और इसके ऊपर भी तेल लगा लेंगे, साथ में जो बेलन है उस पर भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और ये जो बड़ी सी लोई हमने बनाई थी इसे हम बेल लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। तो इसे बहुत ही आराम से इस तरीके से उठाकर हम इसे थोड़ा पतला करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे बेल कर तैयार कर लिया है।
इसके बाद इसे हम स्क्वायर शेप देंगे, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है, और ये जो हमारा ये आटा रह गया, इसे हम दोबारा से लोई बना के इस तरीके से ये नाश्ता बना सकते हैं। और इसे हम फिर से स्क्वायर शेप में कट करेंगे ऐसे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है, और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। यहाँ पर इस तरीके का मैंने ये घोल बना के तैयार कर लिया है, इसे रखेंगे साइड में। और ये जो हमने स्क्वायर बनाया है, तो एक स्क्वायर में उठा लेती हूँ। और ये जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया है, थोड़ा सा लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये आलू का मिक्सचर बिल्कुल सेंटर में रख दिया है। इसके बाद किनारों पर ये स्लरी लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और जब इसे फ्राई करें तो खुले नहीं। और इस तरीके से चिपका देंगे इसे। इसके बाद इसे किनारे से भी इस तरीके से हम चिपका देंगे। यहाँ पर हमारा एक पैकेट तैयार हो गया है, तो इसी तरीके से सारे पैकेट बना के तैयार कर लेंगे सूजी के, ये देखिए। इसके साथ ही इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर मैं एक लौंग लगा रही हूँ, तो ये देखिए। तो मैं सारे ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक बार दूसरा बना के दिखाती हूँ आपको। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिक्सचर, तो इस तरीके से पहले मिक्सचर को हम रोल कर लेंगे, ताकि बिल्कुल सेंटर में आए। किनारों पे स्लरी लगाएंगे, और इसे फोल्ड कर लेंगे। एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है, ताकि ये चिपक जाए और खुले नहीं। और इनको भी हम किनारों को भी इस तरीके से सील कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम एक लौंग लगा देंगे, तो हमारा ये दूसरा सूजी का नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से सारे तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सूजी पैकेट बना के तैयार कर लिए हैं, तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में, और बाकी सारे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने मीडियम तेल गर्म कर लिया है, और इसके बाद एक एक करके हम ये डाल देंगे। तो एक बार में जितने भी कढ़ाई में आ जाएँ, उतने हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इन्हें फ्राई करना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो फिलहाल मैं इतने ही डाल रही हूँ उसमें, बाकी बचे हुए बाद में फ्राई करेंगे। और यहाँ पर इसे हमें तुरंत ही नहीं पलटना, अच्छे से थोड़ा पक जाने देना है, उसके बाद ही पलटेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया इसमें। और यहाँ पर जो हमारा सूजी का नाश्ता है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ही सुंदर सा कलर भी आ गया, और ये बिल्कुल भी खुले नहीं है, फटे नहीं है। तो इसी तरीके से बचे हुए सारे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बचे हुए भी फ्राई कर लेते हैं, और इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर हमारा ये सूजी का बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है, और एक भी जो पैकेट है वो फटे नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए, और उतने ही क्रिस्पी बने हैं। और इसे एंजॉय कीजिए केचप के साथ या फिर चटनी के साथ। तो इस तरीके से ये सूजी का नाश्ता बनाइए, और मैं दिखाती हूँ उसका टेक्स्चर अंदर से कैसा है। अभी काफ़ी गर्म है, ये देखिए।